भाई मैं सोच रहा हूँ आज हम करण औजला के किसी गाने का ब्रेक डाउन करते हो, तुम क्या कहते हो? तुम्हें कौन सा गाना अच्छा लगता है? मुझे करण औजला का डोंट लुक गाना बहुत अच्छा लगता है। डोंट लुक, ओके तो चलो आज इसी गाने को बनाएंगे। आज हम जिस सॉन्ग को ब्रेक डाउन करेंगे उसका नाम है डोंट लुक, जिसको गाया है करण औजला। तो क्या हाल है भाई लोग, मैं हूँ हिमालय, सीधे हिमालय से। म्यूजिक को लेके अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कर सकते हो हमें नीचे कमेंट। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है म्यूजिक को लेके या फिर आप करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स तो सिंपल आप कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम। अगर आपको चाहिए इस वाले गाने की एफएलपी तो आपको सिंपल करना होगा इस वीडियो पे 1000 लाइक, छोटा सा टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो आप लाइक और प्लीज एक प्यारा सा अपना कमेंट भी जरूर करना इस वीडियो के नीचे। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने एफएल स्टूडियो की तरफ। ओके जी, तो स्वागत है आप सबका एफएल स्टूडियो में। जिस गाने को आज हम बनाएंगे उसे मैंने कर लिया डाउनलोड पहले से ही। तो गाना बनाने से पहले हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी जो की है टेम्पो और स्केल। इस गाने का जो बीपीएम है वो है 88 और इस गाने का जो स्केल है वो है जी माइनर। ओके, इस गाने को बनाने से पहले हम सुनेंगे इसको थोड़ा सा। ओके, इस गाने को बनाएंगे हम इंट्रो पार्ट से। इंट्रो पार्ट काफी ज्यादा मेलोडिक है। ओके, इंट्रो के अंदर किया गया है फ्लूट का यूज और कुछ कॉर्ड्स का यूज। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें कॉर्ड पैटर्न, बहुत ही इजी कॉर्ड पैटर्न है। इस सॉन्ग के अंदर किया है पियानो का यूज, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इस साउंड के लिए नेक्सस 3 का यूज। इंट्रो के अंदर इन्होंने किया एक ढोलक साउंड का यूज, तो जल्दी से उस ढोलक साउंड को ऐड करते हैं। मेरे पास जो ढोलक का साउंड है वो है एफ शार्प की के अंदर, बट मेरा गाना जो है वो है जी माइनर के अंदर, तो मुझे इसको 2 7 टोन ऊपर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग इंट्रो के अंदर इस ढोलक के अंदर इन्होंने इक्यू का यूज किया है, इसके हाईज और लोज दोनों काट दिए हैं, बट जहां से इस गाने की रिदम स्टार्ट होती है वहां पर नॉर्मल ढोलक का यूज किया गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इंट्रो के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट है। मुझे इस गाने के अंदर सुनाई दे रहा है टैम्बोरिन का साउंड, तो जल्दी से टैम्बोरिन के साउंड को ऐड करते हैं इस गाने के अंदर। इस जगह पे जहां से इस गाने की रिदम स्टार्ट हो रही है वहां पर इन्होंने किया किक का यूज, क्लैप का यूज और मुझे एक स्नेयर का साउंड भी सुनाई दे रहा है। आई थिंक इसको लेयर भी किया है, स्नेयर के साउंड को क्लैप के साउंड के साथ लेयर किया है। ओके, तो जल्दी से लगाते हैं किक, क्लैप और स्नेयर के साउंड को। मैं इस वाले स्नेयर साउंड को करूंगा लेयर एक क्लैप साउंड के साथ। ओके नाइस, अभी तक तो हमारी रिदम काफी ज्यादा सही लग रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस गाने के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। मुझे इस गाने के अंदर सुनाई दे रहा है एक हाई हैट का साउंड, तो जल्दी से हाई हैट के पैटर्न को लगाते हैं। हाई हैट का बहुत ही ज्यादा इजी पैटर्न लगाया है यहाँ पर इस गाने के अंदर इन्होंने। जहां से इस गाने की ड्रम स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर किया है एक अपलिफ्टर का यूज, साथ ही साथ उसके साथ किया है एक क्रैश साउंड का यूज, तो दोनों साउंड को लगाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एलिमेंट मुझे इस गाने के अंदर सुनाई दे रहा है 808 का साउंड, बेस लाइन के लिए इन्होंने किया है 808 का यूज, बहुत ही सिंपल पैटर्न है इस गाने के अंदर 808 साउंड का। ओके, मुझे यहाँ पर मेलोडी के अंदर 2 3 एलिमेंट और सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पैन फ्लूट का साउंड का यूज किया है, साथ ही साथ पियानो का यूज किया है। पहले इन दोनों साउंड को लगाते हैं जल्दी से। इस साउंड के लिए भी मैंने नेक्सस 3 का ही यूज किया है। यहाँ पर इन्होंने एक पियानो की मेलोडी बनाई है बिल्कुल छोटी जैसी, जल्दी से उसको भी ऐड करते हैं।
अगर आप इस वाले पार्ट को सुनोगे तो आपको यहाँ पर एक सिंथ साउंड सुनाई देगा जो कि ओल्ड स्कूल में यूज किया जाता है। मेरे नाल गुंडियां दी टीम बल्ली है। ये वाले साउंड को हम बनाएंगे सीरम से, तो जल्दी से करते हैं साउंड डिजाइन। इस साउंड को बनाते हैं सीरम के अंदर। ओके, उस सिंथ साउंड को बना के कर लिया मैंने कंप्लीट, तो कुछ इस तरह का साउंड है, बहुत ही ज्यादा यूनिक साउंड है। तो जल्दी से मेलोडी बनाते हैं अब। कल नू कहेगी मेनू प्यार हो गया। ओके, लास्ट में हम लगाएंगे इस गाने में जो मेन चीज है जो कि है फ्लूट का साउंड। जल्दी से फ्लूट वाले साउंड को भी लगाते हैं। ये वाला फ्लूट का साउंड इन्होंने अपने गानों के अंदर लाइव रिकॉर्ड किया होगा। इस तरह का लाइव साउंड अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने इस गाने में से इस फ्लूट साउंड को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा गाना बनके हो चुका है कंप्लीट, तो चलो सुनते हैं इस गाने को एक बार हमने क्या बनाया। इसको सुनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स तो सिंपल आप कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे DM। देखिए कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो आ गई पसंद तो जल्दी से आप कर दें इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। तो जल्दी से उस लाल वाले बटन को दबा दो, प्लीज दबाओ यार, क्या कर रहे हो, दबाओ जल्दी से। ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे इस चैनल को चेक। तो चलो मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बाय।